हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनू और आप देख रहे हैं सोनू एम के टू क्लास। और आज मैं बता रहा था आपकी जो 44-40 IC के डबल IC के जो टेप हैं उनके बारे में, आप कैसे रिपेयरिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो जैसे आप लाइट देते हैं इसमें, ये मेन हमने लाइट दिया और ये डिस्प्ले शो कर दिया, लेकिन हल्का सा सीरीज बल्ब अगर जल रहा है या केवल सू सू की आवाज़ आ रही है, इस कंडीशन में आप क्या करेंगे। इस कंडीशन में ये होगा कि सबसे पहले ये ऑडियो की यहाँ पे कंट्रोलिंग होती है, इस स्पीड पे स्पीक लगा के आप चेक कर लीजिए कि ऑडियो आउटपुट यहाँ पर स्पीकर जैक में यहाँ पर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। थोड़ा सा भी अगर हलचल नहीं कर रहा है तो ये IC होती है 44-40, इसको आप रिप्लेस कर दीजिए। बहुत ही आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। दूसरी चीज़ है, यहाँ पर लाइट ऐसी तार होता है जो सावधानी रखे यहाँ पर करंट मार सकता है। दो चीज़ें, आवाज़ में खड़खड़ाहट है या कंपन है, उस जगह पर आप अभी कैपेसिटर जो है चेंज कर सकते हैं। ये डिस्प्ले है, अगर ये डिस्प्ले बार बार उड़ जाती है तो इसके लिए आप यहाँ पर लगी हुई 7805 ये ट्रांजिस्टर है, इसको आप चेंज कर दीजिए। इस पर आपका 5 वोल्ट सप्लाई एक्यूरेट आना चाहिए। और भी जैसे है, जैसे कि खड़खड़ाहट कम नहीं हो रही है तो आप यहाँ से ऑडियो पर से उठा करके आप यहाँ पर बॉडी अर्थिंग दे सकते हैं, उसको भी आप बना सकते हैं। अगर ये ट्रांसफार्मर आपका लाइट देने पर नहीं काम करता है सही, तो आपका कहीं जो 4 डायोड है उसमें से 2 डायोड निकाल करके केवल 2 डायोड पर आप सप्लाई दे देंगे तो अभी आपका वर्किंग शुरू हो जाएगा, अगर लोड नहीं उठा रहा है तब। ठीक है, अतिरिक्त कोई फायदा हो तो आप पूछेंगे हमें कमेंट बॉक्स में, तो हम आपको बता देंगे। और इसके हमने कई शो वीडियो अपलोड करके ये म्यूजिक जो है चालू हो गया है। ठीक है,